हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट। ये डिज़ाइन सिर्फ 8 रोज का डिज़ाइन है, आपको ही 8 रो रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 12 + 7 एक्स्ट्रा स्टिच + 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 12 + 7 + 2 रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड पर आपको जो फंदा आपको सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनना है, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनना है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 12 ओनली 1 × 12 + 7 एक्स्ट्रा स्टिच + 2 एज स्टिच करके टोटल 21 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा कैसे स्लिप करना है एज स्टिच को, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को आगे करना है। फर्स्ट में एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे करना है। अब 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदा सीधा और फिर धागा आगे। अब 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। अब यही रिपीट करना है आपको स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक मैंने सिर्फ एक ही बार रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, फिर से 5 फंदा सीधा। अब यही करना है। फिर आपको लास्ट, यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है, फिर आपको लास्ट में देखिए 2, 4, 6, 8 8 फंदा बचेगा। इसको क्या करना है देखिए, धागे को आगे करना है, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 फंदा एज स्टिच, जिसको राइट साइड पे सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो आपको उल्टा पे उल्टा, सीधा पे सीधा करके पूरी रो कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो राइट साइड 1 फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। अब 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, अब धागा पीछे। अब यहाँ पर आपको इस 5 फंदों में आपको ट्विस्ट करना है। इस 5 फंदा में देखिए, फर्स्ट फंदा का आपको ऐसे बिना बुने पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है ऐसे, फिर इस 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। 3 फंदों को छोड़कर इस 4th स्टेज को आगे आगे से राइट नीडल पे लेना है ऐसे, फिर पीछे से इस 3 फंदों को फिर से लेफ्ट नीडल पे ऐसे रखना है, इसे क्रॉस करना है। अब इस फंदा को, इस 1 फंदा को लेफ्ट नीडल पे से रखना है। अब इस 4 फंदा को सीधा बुनना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब इस स्लिप फंदा को, यह हमने स्लिप फंदा छोड़ा था 1 फंदा स्लिप को, अब इस लेफ्ट नीडल पे लेना है। आगे से इस स्लिप फंदा को राइट नीडल पे, सॉरी लेफ्ट नीडल पे लेना है, फिर पीछे से इस 4 फंदों को राइट नीडल पे इसे ड्रॉप करके देखिए 2, 3, 4
से ट्विस्ट करना है, फिर इस फंदा को भी इसके भी एक फंदा को सीधा होना है। देखिए ऐसे ट्विस्ट करना है आपको। अब धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस पांच फंदा को एक बार इसे राइट से एक बार लेफ्ट से ट्विस्ट करना है, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर आपको लास्ट में देखिए 2, 4, 6, 7 फंदा बचेगा, इसको क्या करना है देखिए। धागा पीछे करना है, पांच फंदा सीधा, 1, 2, सॉरी यहाँ तक, इस यहाँ तक आपको एक बार रिपीट हुआ है, आपको ही रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में देखिए 2, 4, 6, 8 आठ फंदा बचेगा, इसको क्या करना है देखिए। धागे को आगे रखना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा एडजस्ट सीधा। फोर रो सॉरी थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ रो सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करके पूरी रो कंप्लीट करना है। फोर रो कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ रो राइट साइड आपको रो वन जैसे बुनना है। फिफ्थ रो एक फंदा स्लिप करना है एडजस्टेड, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागा आगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा पीछे, फिर से पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर आपको लास्ट में देखिए 2, 4, 6, 8 आठ फंदा बचेगा, इसको क्या करना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एज स्टिच सीधा। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है। सिक्स रो रॉन्ग साइड आपको सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करके पूरी रो कंप्लीट करना है। सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है। आप सेवन रो राइट साइड स्टिचन का आपको यहाँ पे बनाना है, फिर यहाँ पे दो ठाव में आपको स्टिचन को बनाना है। एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब इस पांच फंदा में आपको इस पांच फंदों को ट्विस्ट करना है। एक फंदा को फर्स्ट फंदा को पॉल वाइज से स्लिप करना है, फिर इस चार फंदों को ट्विस्ट करना है, इस तीन फंदों को छोड़कर इस फोर्थ स्टिच को राइट नीडल पे आगे से लेना है, फिर पीछे से इस तीन फंदा को। अब इस फोर्थ स्टिच को आगे लेकर अब ये चार फंदा को सीधा बुनना है, 1, 2,
तीन चार, चार फंदा सीधा। अब स्लिप फंदा क्या हो, राइट नीडल सॉरी लेफ्ट नीडल पे आगे से लेना है, फिर पीछे से इस चार फंदे को राइट नीडल पे। ओके तो तीन ले चार, अब इस फंदा को भी लेफ्ट नीडल पे लेकर इसको सीधा बुनना है। देखिए इसे ट्विस्ट करना है यहाँ तक, फिर आगे करना है एक फंदा उल्टा सॉरी एक फंदा उल्टा धागा पीछे, अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, आपको रिपीट करना है एक फंदा उल्टा, फिर पांच फंदों को ट्विस्ट करना है एक बार राइट से फिर एक बार लेफ्ट से, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में पांच फंदा उल्टा। अब यही रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में देखिए यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है, दो चार छः आठ, आठ फंदा बचेगा। इसको क्या करना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, अब यहाँ पर आपको इस पांच फंदों को भी आपको ट्विस्ट करना है, एक फंदा कैसे पॉल वाइज स्लिप करना है, दो फंदों को छोड़कर इस फोर्थ स्टिच को राइट नीडल पे लेकर आगे से फिर पीछे से लेफ्ट नीडल पे तीन फंदा को लेना है, इसे ट्विस्ट करना है, फिर एक फंदा को लेफ्ट नीडल पे लेकर इस चार फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब ये राइट से हुआ, अब लेफ्ट से ट्विस्ट करना है स्लिप फंदा को, स्लिप फंदा को इस लेफ्ट नीडल पे लेना है आगे से फिर पीछे से इस चार फंदा को राइट पे, इसे क्रॉस करना है, अब इस एक फंदा को सीधा, देखिए इसे ट्विस्ट करना है, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा एडजस्टेड सीधा। सेवन रो कंप्लीट कर लिया है, थर्ड रो आपको सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करके पूरी करना है रॉन्ग साइड रोज। एट रो कंप्लीट कर लिया है, देखिए एट रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से एट रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।